नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा से पैसा कट रहा है तो उसको कैसे वापस लिया जाए। तो बहुत सारा कमेंट आया था कि सर ऐसा एरर आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो उस वीडियो में भी हम रिप्लाई दिए थे कमेंट में, और इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा कट रहा है तो जो कटा हुआ पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में कितने दिन में आएगा, कैसे आएगा और किस चीज के लिए कट रहा है, तो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए, उसमें हम रिप्लाई दे देंगे आपको। और देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए नहीं, ये बैंक ऑफ इंडिया, ये मतलब जितना भी गवर्नमेंट बैंक है ये सारा इसी तरह का काम कर रही है आजकल, तो ये सारे बैंकों पर लागू होगा, प्राइवेट बैंक को छोड़कर। तो देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरे अकाउंट से 50,000 कट गया, 10,000 कट गया, 12,000 कट गया, तो उनका बात सही है, उनका कट रहा है तब वो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अगल बगल भी कटता है तो लोग मेरे पास आते हैं, तो उसको हम बताएं कि वो देखिए, बहुत लोग सोचेंगे कि मेरा मंथली बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा है इसके कारण कट रहा है। आप बताइए कि मान के चलिए मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया है और उसमें 1,000 रुपया मेंटेन करना है, तो ऑटोमेटिक मेंटेन हो रहा है अकाउंट मेरा, उसके कारण पैसा कटेगा नहीं। SMS चार्ज कटता है तो मान के चलिए 36 या 50 रुपए के अंदर ही कटेगा, वो भी क्वार्टरली कटता है, तो वो पैसा कट क्यों रहा है, वो भी उतना कट रहा है। देखिए, हम बता दें कि माइनस में जो अकाउंट जा रहा है, मान के चलिए आपका 10-1,000 रुपया मेंटेन करना है और वो नहीं कर रहे हैं, वो तो सबको पता है कि मेरा अकाउंट में मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो पैसा कट रहा है, तो वो भी एक बार में 10,000-15,000 नहीं कटता है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये पैसा कैसे कटा है, किस चीज के लिए कटा है। तो देखिए, आपको स्टेप हम बताते हैं, वो स्टेप से आप काम कीजिएगा तो आपका पैसा जो भी कटा होगा वो रिटर्न आ जाएगा। सबसे पहले इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप ओपन कीजिए, या अगर आप मोबाइल बैंकिंग नहीं चलाते हैं तो पासबुक प्रिंट कीजिए, या ATM से जाकर स्टेटमेंट उसका लाइए, और स्टेटमेंट पे देखिए वहां पर जो लिखा रहता है कि किस चीज के लिए चार्जेस कटा गया। जैसे कि ATM से आप पेमेंट निकालिएगा, UPI से पे कीजिएगा, तो उसमें बताता है UPI से आपने पेमेंट किया है, तो वहां क्या लिख रहा है, उसके सामने आप क्या लिख रहा है, ये सबसे पहले आप लोग पढ़िए। कोई भी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा आप, उन लोग बोल रहा है कि पैसा नहीं मेंटेन हो रहा है इसलिए आपका पैसा कट रहा है, ऐसा कुछ नहीं। पहला स्टेप ये आपको कोई नहीं बताएगा, सबसे पहले आपको पासबुक प्रिंट करवाना है और उसके आगे देखना है कि क्या ये किस चीज के लिए कटा है। तो आजकल जो है कट रहा है APY, APY का ज्यादातर पैसा सभी गवर्नमेंट बैंकों में कट रहा है, तो किस चीज के लिए पैसा कट रहा है, कैसे ये पैसा मिलेगा, वो इस वीडियो में बताते हैं। APY का फुल फॉर्म होता है अटल पेंशन योजना, ये एक प्लान है जिसके थ्रू आपको, जब मान के चलिए आप 60 साल के हो जाइएगा तो आपका जो पेंशन मिलेगा आपको, तो आपका पैसा कितना कटेगा आपके एज के अकॉर्डिंग कटता है, ये 18 से 40 साल का जिसका उम्र रहेगा उसी का पैसा कटेगा, सभी को नहीं कटेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप पूछिएगा कि सर मेरा इतना उम्र है, कैसे पता चलेगा कितना कटेगा, यहाँ पर चार्ट लगा दे रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका उम्र के अकॉर्डिंग आपका पैसा कटेगा, ये अब सभी बैंकों में लागू कर दिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक दो अकाउंट होल्डर के पास नहीं होगा तो उस पर भी मैसेज आ रहा है कि आप APY ऑन कर लीजिए, APY ऑन कर लीजिए अपने ब्रांच में जाकर, पुराने बहुत पुराने मतलब 10-20 साल पहले आपका खाता है तो आपको मैसेज आएगा ही आएगा कि आप APY ओपन कर लीजिए। ये सरकार का ही जो है अटल पेंशन योजना स्कीम है जिसके थ्रू आपको पेंशन मिलेगा, ये सभी को, लेडीज को जेंट्स दोनों को मिलेगा। अब इसको आपको बंद करवाना है, मान के चलिए आपका पैसा कट गया 10,000-15,000, तो उसको कैसे बंद करा सकते हैं, तो इस तरह के एप्लीकेशन में आपको इस तरह का पेज पे एक एप्लीकेशन लिख देना है कि मेरे अकाउंट से APY अटल पेंशन योजना लिंक है, इसको बंद कर दीजिए। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन दीजिएगा ब्रांच में तो वो बंद हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से जो भी है पेमेंट भी नहीं कटेगा आपका। और क्या होता है कि मंथली, ये सरकार का नियम है कि हर मंथ में आपका कटेगा, तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है या सरकार का जो पोर्टल से पैसा डिडक्ट होता है वो काम नहीं करता है, तो वो एक ही बार में काट लेगा। मान के चलिए आपके अकाउंट में 1,00,000 है 1.5 लाख है और 3 साल से आपने पैसा इसका पे नहीं किया है, तो टोटल ऐड करके जितना भी होगा 10,000, 12,000, 13,000, ये एक बार में ही डिडक्ट कर लेगा, तो आपको लगेगा अरे मेरा पैसा इतना कट गया, कैसे कट गया, इसी के कारण कटता है। और जो भी कटेगा वो मतलब कि आपका एज के अकॉर्डिंग पूरा स्टेटमेंट आपको भर जाएगा, APY से पैसा कटा हुआ है, APY से पैसा कटा हुआ है, स्टेटमेंट यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, मेरे अगल बगल में बहुत लोगों का जो है मतलब बहुत लोगों का, ऑलमोस्ट सभी लोगों का APY अकाउंट लिंक हो गया है और उनका पैसा मंथली कट रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट देख लीजिए, इसी तरह का आपका पासबुक में भी दिखाएगा, तो इस तरह से आप बंद करवा सकते हैं। और दो चार बातें सुन लीजिए कि मान के चलिए आप
ऑनलाइन जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ये सब आप ऑनलाइन अब जब भी अप्लाई कीजिए तो अपना खाता शेयर मत कीजिए। अकाउंट नंबर जो है, क्या होता है कि लोन आपको देता नहीं है वो पार्टी जिससे आप अप्लाई करवाइएगा, और वो आपका मंथ में पैसा काटता रहेगा ईएमआई, आपको लोन भी नहीं मिला आपका ईएमआई भी पे करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो भी लोन आप ले रहे हैं जिस ऐप से, उसको यूट्यूब पर एक बार सर्च कीजिए, उसका रिव्यू चेक कीजिए, इसके बाद ही उस पर लोन लीजिए, ये ज्यादातर होता है। और एक होता है कि एटीएम में आप कभी कभी जाते हैं, प्राइवेट एटीएम में, मान के चलिए इंडिया नंबर वन एटीएम हो गया होगा, आप लोग पता होगा, तो वहां पर क्या है कि आप पैसा निकाल लीजिएगा और लास्ट में ऑप्शन देता है कि आपको रिवॉर्ड चाहिए तो अपना मोबाइल नंबर जो है इंटर कीजिए। तो बहुत लोग देखते हैं कि एंटर कर देते हैं, तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, वहां मोबाइल नंबर अपना एंटर करना ही नहीं है, वो आपके अकाउंट से फिर चार्जेस कटने लगेगा, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये तीन कारण थे जिसके कारण जो है बैंक में से पैसा कट रहा है, बहुत ज्यादा कट रहा है, और ये सभी बैंकों के लिए लागू है, गवर्नमेंट बैंकों के लिए। प्राइवेट बैंक में भी एपीवाई आप नेट बैंकिंग में जाके खुद ऑन कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिक ऑन नहीं रहता है, बट गवर्नमेंट बैंक में ऑटोमेटिक जो है ऑन रहता है एपीवाई, अटल पेंशन योजना, ये जो सारा है यहाँ पर आप चैट देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी बैंक का अगर पैसा कटा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसे पीएनबी हो गया, इस पर हम वीडियो बनाएंगे, पहले से भी बनाए भी होंगे, तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं।